अज़बल इम शवानाज़ीम बसम अल्लाम वरिमु ला वर्क दियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट्थ आई होप दैट विल बी ओके इन योर होम्स दियर स्टूडेंट्स हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ प्यारे बच्चों अभी तक हमने पढ़ा पैथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में अभी तक हमने पढ़ा स्क्वायर्स कैसे हम निकालेंगे तो आज हम स्क्वायर रूट्स के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है एरिया ऑफ स्क्वायर जो है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या आप बता सकते हैं इसका साइड क्या होगा प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमें पता है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो साइड इंटर साइड होता है अगर हम स्क्वायर के एक साइड को ए रखेंगे लेट ए इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर तो इट मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाय ए जो है वो 144 है इट मीन्स ए स्क्वायर जो है वो 144 है और ए जो है वो अंडर रूट 144 है ये 144 देखना है देखना हमें किसका स्क्वायर बनेगा तो ए है ट मल्टीप्लाइड बाई ट तो ये ए निकलेगा अंडर रूट ट्वेल्व स्क्यर स्केयर रूट कट हो जाएगा तो ए निकलेगा ट्वेल्थ तो तेरे बच्चों बारह जो होगा ये साइड ऑफ द स्केयर होगा तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट द एरिया ऑफ स्क्र जो है वो साइड स्क्र है इफ़ वी एज्यूम length ऑफ द साइड ई then वन हंड्रेड फोर्टी फोर इज गर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड दैट नंबर हुर इज़ वन फोटी फोर अब इस साइड की लेंग्थ को देखने के लिए वो मैंने आपको दिखाया अब दूसरी बात है वाट इज द लेंथ ऑफ द डाइगनल ऑफ़ द स्केर ऑफ साइड एट सेंटीमीटर यहाँ तो आपको बतानी है कि लेंथ ऑफ डाइगनल क्या है ये जो स्केयर यहाँ पे है इसका हर साइड जो है एट सेंटीमीटर है एट सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर अब इसका डायगोनल जो है ये है ए सी इसका डायगोनल है तो यहाँ पे इसने एक ट्रेनिंग ली एक ट्रेंगल ली है सॉरी एक ट्रेंगल ली है ए बी सी ए बी सी यहाँ पे एक ट्रेंगल बनती है इस तरह ये है ए ये है बी और ये है सी ये भी आठ सेंटीमीटर ये भी आठ सेंटीमीटर और ये वाला हमें निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम हमें बता दिया बी एस स्क्र प्लस परपेंडिकुलर स्क्यर इज्क्ल टू हे पार्टनिक स्क्यर तो यहाँ पे आप देखिए एट स्क्यर प्लस एट स्क्यर इजक्ल ए सी स्क्यर सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटी फोर इज टू ए सी स्क्र वन हंड्रेड ट्वेंटी एट इज टू ए सी ए सी इज्वल टू अंडर रूट ट्वेंटी एट तो यहाँ पे ए सी जो है वी टू थिंक द नंबर इज वन हंड्रेड ट्वेंटी एट अब हमें वो नंबर देखना है जिसका 128 होगा तो यहाँ यह निकलेगा इसी तरह यहाँ पे राइट एंगल ट्रैगल है लेंथ ऑफ हाईपाड न्यूज एंड द साइड रेस्पेक्टिव हमें निकालनी है लेंथ ऑफ हाईपाड न्यूज इन दो की निकाली है ये दो साइड समय पे दिए हुए हैं एक है पाँच सेंटीमीटर और दूसरा है क्या हाईपाड़ न्यूज लेंथ ऑफ हाईपाड़ न्यूज़ एंड साइड एक हाईपाड न्यूज की लेंथ दी हुई है और एक साइड की दी हुई है और दूसरी साइड की हमें निकालनी है तो फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इट मीनस फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री स्क्र इज नाइन इज्कल टू एक्स स्क्र तो ये सिक्सटीन इजकॉल टू एक्स स्क्र और एक्स जो है वहीं आप देखना है कि ये सिक्सटीन जो है ये किसका स्क्वायर बनेगा तो हम ये भी कहेंगे एक्स इज इजक्ल टू सिक्सटीन एक्स इज इज्कअल टू अंडर रूट फोर इंटू फोर मीन्स फोर स्क्र तो आगे ये चलेगा ये फोर का बनेगा तो इन एग्ज़ाम्पल्स से हमें क्या पता चलता है

ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज डिवीजन अगर एडिशन का इनवर्स लेंगे तो वो सब्ट्रैक्शन है मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स लेंगे तो वो डिवीजन है इसी तरह फाइंडिंग द स्कैर इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्कैरिंग जब हम किसी चीज़ को स्कैर करते हैं तो उसका इनवर्स ऑपरेशन जो है वो फाइंडिंग द स्केर है यहाँ पे आप देखिए वन स्कैर दे आर फोर स्कैर रूट ऑफ वन इज वन टू स्केर इज इक्वल टू फोर हम कहेंगे स्कैर रूट ऑफ फोर इज टू थ्री स्क्वायर इज गाइन स्क्ट्री नाइन इज थ्री ये देखिए नाइन स्क्वायर एटी वन स्र रूट ऑफ एटी वन इज नाइन इसी तरह माइनस नाइन स्क्र एटी वन स्ैर रूट ऑफ दिस इट इज माइनस नाइन तो यहाँ पे आप देखिए ट्राई दिस अलेवन स्क्वायर इज दिस व्हाट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ वन हंडर्ड ट्वेंटी इट इज अलेवन व्हाट इज द स्र नाइन्टी सिक्स इट इज इसका इनवर्स तो अब आप चलिए फ्रॉम द एबो वी मे सी डेट द टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन दिस चैप्टर वी शैल टेक ऑफ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय दिस ये रूट से डिनोट होता है सो फॉर एग्जांपल अंडर रूट फोर इक्वल टू टू नॉट माइनस टू अंडर रूट नाइन इक्वल टू थ्री नॉट माइनस थ्री सो आगे चलते हैं पेरे बच्चों ये यह यहां पे देखिए आप वन इज इक्वल टू वन टू स्क्र इक्वल टू फोर थ्री इज इक्वल टू नाइन फोर स्क्र इजक्ल टीस फाइव इक्वल टू टीस सो अंडर रूट वन इट इज वन अंडर रूट फोर इक्वल टू टू अंडर रूट नाइन इक्वल टू थ्री अंडर रूट इन स्क्वायर रूट ऑफ इज इक्वल टू फोर स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव इक्वल टू सिमिलरली सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स का जो स्क्वायर रूट है वो सिक्स है फोटी नाइन का सेवन है सिक्सटी फोर का एट है एटी वन का नाइन है और इसका ये हंड्रेड का टेन है सो फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ये एक तरीका है दूसरा तरीका है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन अब देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जैसे हमने एटी वन का स्क्वायर रूट निकालना है तो एटी वन से हमने वन को माइनस किया यहाँ एटी रहा फिर एटी से थ्री को माइनस किया यहाँ सेवनटी सेवन रहा उसके बाद सेवेंटी सेवन से फाइव को माइनस किया यहाँ सेवेंटी टू सेवेंटी टू से सेवन को माइनस किया यहाँ सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव से नाइन को यहाँ फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स से अलेवन को और फोर्टी फाइव से फिर थर्टी टू थर्टी टू से फिफ्टीन को फिफ्टीन सेवनटीन सेवनटीन से सेवनटीन को तो यहाँ ज़ीरा निकला तो फ्राम एटी वन वी हैव सब्ट्रैक्ट सक्सेसव आड नंबर्स मुसलसल आड नंबरस को हमने सब्ट्रैक्ट किया एक सी और फिर हमें जीरो मिला नाइन्थ स्टेप पर जब हम नए स्टेप पर पहुँचे तो हमें ज़ीरो मिला इसलिए जो स्क्वायर रूट ऑफ एटी वन होगा दैट इज नाइन स्क्वायर रूट ऑफ एटी वन इज़ यानी अंडर रूट एटी वन वो नाइन के बराबर आएगा तो ये है सब्ट्रैक्शन मेथड आप किसी छोटे का कीजिए ये है सिक्स देखिए आप ये सिक्सटीन है इसका कीजिए हम सिक्सटीन में से वन इसमें क्या आएगा फिफ्टीन और फिर फिफ्टीन में से थ्री घटाएंगे टवेल्व ट्वेल्व में से सिक्स घटाएंगे तो ट्वेल्व में सॉरी नॉट सिक्स ट्वेल्व में से फाइव घटाएंगे तो सेवन सेवन में से सेवन घटाएंगे तो ज़ीरो अब देखिए ये सब्ट्रैक्शन का अमल हमने कितनी बार किया एक बार दो बार तीन बार और चार बार हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन इज टू फोर तो ये है सब्ट्रैक्शन मेथड उसके बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अब देखिए यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी ये फाइंड द स्कैरिंग रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर सिक्स का प्राइम फैक्टर्स नंबर क्या है टू एंड थ्री इसके हैं टू इंटू टू इंटो टू इसके हैं टू इंटू टू इंटो थ्री फिफ्टीन के हैं, हैं यानि एट के, के हैं टू इंटू टूटी टू इसके प्राइम फैक्टर्स ये हैं टू इंटू टू इंटू थ्री टोल्व के फिफ्टीन के हैं थ्री इंटू फाइव सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स स्क्वायर ये देखिए थर्टी सिक्स इसी तरह ये देखिए इस तरह चलिए आगे तो हाउ मेनी टाइम्स डज टू आकार इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स Six में टू एक ही बार है हाउ मेनी टाइम डज टू आकर इन द प्राइम फैक्ट्राइजेशन आप थर्टी सिक्स में देखिए वहाँ पे दो बार है और फिर उसके बाद तीन भी दो बार है एट इन दिस सिमिलरली एबो करेंस थ्री इन सिक्स थर्टी सिक्स टू इज इन एट एंड सिक्सटी फोर यूल फाइंड दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द स्केर ऑफ ए नंबर नंबर ऑफ टाइम्स ये दो बार आता है इट आकर्स इन द प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ द नंबर इट सेल्फ लेटेड द स्क्र रूट ऑफ द फॉलोइंग हम थ्री ट्वेंटी फोर का स्क्यर रूट देखेंगे चलिए थ्री ट्वेंटी फोर को देखिए ये है थ्री ट्वेंटी फोर टू वन इजार टू सिक्स हजार टू टू हजार उसके बाद टू एट हजार टू वन हजार उसके बाद टू टू हजार टू सेवन हजार उसके बाद, 2, 2000, उसके बाद, 2, 2000, उसके बाद थ्री थ्री टू हजार थ्री सेवन हजार सॉरी उसके बाद यहाँ पे थ्री एट हजार पहले यहाँ टू एट हज़ार उसके बाद थ्री टू हजार थ्री सेवन हजार उसके बाद थ्री नाइन हजार उसके बाद थ्री थ्री हजार तो ये होता है टू मल्टीप्लाइड बाई टू फिर थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री फिर थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री यहाँ पर आप देखिए तो इनको जब हम पियर्स में लगाते हैं नीचे लिखा है तो थ्री टू फोर ये एक जोड़ा इसका ये दूसरा जोड़ा उसके बाद तीसरा जोड़ा तो दो में से एक लेते हैं तो ये किसका स्क्वायर बनता है टू इंटू थ्री इंटू थ्री दो छः छतिया अठारह तो एटीन का स्क्वायर बनेगा तो अंडर रूट टू इन्टो थ्री टू फोर इज इजक्ल टू इंटू थ्री इंटू थ्री इज तो इज्कल टू एटीन तो इसी तरह हम और जो हैं उनका भी स्क्यर रूट निकालेंगे जैसे यहाँ पे है सिक्सटी फोर इसका भी आप निकाल सकते हैं इसी तरह बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो की हुई हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितनी भी एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर की हुई हैं इन सबको आप देखेंगे और अच्छी तरह से इनको घर में सीखने की कोशिश करेंगे अगर आपको इनको सीखने में या इनको अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कंटेक्ट मी आई विल बी अवेलेबल टू क्लियर योर डाउट्स आपकी जितने भी शकूक शबूत होंगे इस बारे में तो मैं आपको क्लियर करूंगा तो आज हमने फाइंडिंग द स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट के बारे में हमने पढ़ा तो स्क्वायर रूट हम तीन तरह तरीकों से निकाल सकते हैं एक होता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन uh, मेथड जो अभी ऊपर आपने देखा दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये भी आपने देखा और तीसरा होता है डिवीजन मेथड तो डिवीजन मेथड के बारे में हमने अभी बात नहीं की हालांकि ये बिल्कुल आसान है अगर सिक्सटीन को इस तरह लिखना है जिससे इधर से हम फोर से इसको डिवाइड करते हैं लेकिन वहाँ दूसरे से भी फोर से ही आना चाहिए फोर फोर हज़ार सिक्सटीन ये है डिविजन मेथड सिंपल लेकिन दो मेथड्स आपको मैंने तफसीलन बता दिए एक होता है सब्ट्रैक्शन मेथड वहाँ हमें आठ नंबर को मुसलसल सक्सेसिवली हमें माइनस uh, करना है जब तक हमारा जीरो निकलेगा और फिर हमें देखना है कि हमने हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डन द दब्ट्रैक्शन प्रोसेस एंड वी हैव टू काउंट देम इफ वी हैव डन इट फोर टाइम्स देन द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर विल बी फोर इफ़ वी हैव हैव डन डन इट इट फाइव टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर विल बी इफ वी सिक्स टाइम्स जितनी बार हमने किया होगा तो उस नंबर का वो स्क्वायर रूट होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको पहले से ही मालूम है तो यहाँ हमें फिर जोड़े बनाने होते हैं और पियर में से एक लेना पड़ता है तो वहाँ प्राइम फैक्ट्रेशन जैसे मैं एक और एग्जांपल में आपको बताता हूँ आप यहाँ देखिए ये यह है सिक्स सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड अब यहाँ सिर्फ टू एक बार टू फिर टू फिर टू फिर टू फिर टू, फिर टू, फिर टू, फिर टू लास्ट पे फाइव और फाइव अब टू कितने आए हैं यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं दो दो यानी आठ बार टू आया है नीचे फिर चार बार आया और पाँच दो बार आया अब चार बार टू और एक बार पाँच आया टू टू हजार फोर टू हजार एट टू हजार सिक्सटीन फाइव हजार एटी सो तो ये जो सिक्सटी फोर हंड्रेड है या सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड जो है ये इसका स्क्यर रूट एटी निकलेगा तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि ऑफिस को घर में कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखेंगे थैंक्स स्टे होम स्टे सेफ एंड स्टे बेलेस्ट